हेलो फ्रेंड्स, हम लोग परवे 1.5 देख चुके हैं। उसमें क्या देखा था हम लोगों ने कि वह दशमलव संख्याएं जो टर्मिनेटिंग होती हैं, शांत दशमलव संख्याएं, मतलब कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद जो खत्म हो जाती हैं, उनको जब हम पी वाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो जो उसका हर होता है यानी क्यू, उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहता। परमेय 1.5 यही कहता है। हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं कि जैसे कोई भी दशमलव संख्या, जैसे आपने 2.34 लिया है, ठीक, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे। उड़ान बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 234, ये नीचे वाला 100। अब हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो ए के बाद कितना भी जीरो, 10 × 10 × 10 × यानी 2 × 5 10 का होता है, अगले 10 का भी 2 × 5 होगा, तो कितने भी जीरो यहाँ पे हो तो इनके जो अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। यही हम लोगों ने देखा था कि अगर दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, दशमलव के कुछ अंक के बाद वो खत्म हो जा रहा है, तो उसका जो पी वाई क्यू के रूप में जब हम रो लिखते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, तो उसका जो हर होता है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंडन नहीं रहता। अब हम लोग क्या करेंगे, इस परिमेय का विपरीत करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, पी वाई क्यू के रूप में लिखने पर क्या हो रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। इसका विपरीत क्या होगा कि अगर आपको कोई ऐसा परिमेय संख्या दिया जाए आपको ऐसी परिमेय संख्या दिया जाए जिसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंडन ना हो, उसके अभाज्य गुणनखंडन क्या हो, 2 हो 5 हो केवल। जैसे एग्जांपल के रूप में आपकी बुक में दिया है 3/8 3/8 ये परिमेय संख्या है आपका, पी वाई क्यू के रूप में लिखी है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं, पहले क्या देखते हैं, इसका हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो क्या है 3 और 8 का अभाज्य गुणनखंडन 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते थे कि 2 के पावर m 5 के पावर n, तो यहाँ पे दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक नहीं भी हो सकता है, मतलब केवल और केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 केवल भी चल सकता है, केवल 5 भी चल सकता है अभाज्य गुणनखंडन में, हर के 2 और 5 दोनों रहे तब भी चल जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंडन में हम लोगों ने क्या देखा, हर में ऐसे देखे कि हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 3/8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार देखेंगे क्या है। 3/8 को दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 को आप 8 से डिवाइड करेंगे, 3 में तो जाएगा नहीं, तो दशमलव करके 30 करते हैं, तो 8 × 3 = 24, 6 ये हो गया 60, 8 × 7 = 56, ये 40 हो गया, 8 × 4 = 32, ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया, 8 × 8 मतलब 8 और ये 0 उतर गया, ये हो गया 80, ये आपका खत्म। यानी 3/8 जो है इसका दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3/8 को 0.37410। 3/8 एक परिमेय संख्या थी जिसके हर में 2 और 5 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं थी उसके अभाज्य गुणनखंडन में, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा आ रहा है, दशमलव प्रसार शांत है। शांत है मतलब कि कुछ टाइम के बाद, दशमलव के कुछ अंक के बाद वो फिनिश हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, आपकी बुक में ही एनसीईआरटी दिया है, वही एग्जांपल ले रहे हैं कि आप बुक पढ़ें तो
ज्यादा मजा आया। इट ये है 12 by 13 by 1 to 5। अब केवल हम हर का आभाज गुणनखंडन देखते हैं उसी से मतलब है। 125 का आभाज गुणनखंडन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से, फिर 5 से। तो अभाज्य संख्याओं से शुरू करते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे करते हैं। तो ये 5 से जा रहा है, 5 × 10 प्रथम 25 और 5 × 5 ये, फिर 5 × 5 यानी 125 को हम लोग अगर आभाज्य गुणनखंडन हर का करें तो ये क्या होगा, 5 × 5 × 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंडन में, हर के अभाज्य गुणनखंडन में 5 के अलावा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, हर के अभाज्य गुणनखंडन में 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है। अब 13/125 का हम लोग क्या लिखेंगे, इसको दशमलव संख्या के रूप में लिखेंगे। तो दशमलव संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या करोगे, आप 13 को डिवाइड करोगे 125 से, तो 13 में तो जाएगा नहीं, दशमलव क्या आपने, ये 130 हो गया, 130। अब 125 इक्के में 125, यहाँ क्या बचा, 5 बचा, फिर क्या हो गया, ये 50 हो गया, फिर यहाँ पे 1 0 उतारते हैं, यहाँ पे 1 0 और आ गया। अब 125 को 4 बार अगर करेंगे तो 125 चौका क्या होगा, 125 चौका 4 × 5 = 20 के 0 2, 4 × 8 = 10, 0 + 5 = 5, ये क्या हो गया, 5, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार हम लोगों ने क्या लिखा, 13/125 को 0.104। ये भी किस टाइप का आया, हर में, हर के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 या 5, ये भी क्या आया, 7 दशमलव, यानी ये टर्मिनेटिंग है। कुछ समय के बाद दशमलव के कुछ अंक के बाद क्या हो गया, ये खत्म हो गया। और एग्जांपल लेते हैं 7/30, 7/80, तो इसके हर का आभाज्य गुणनखंडन करते हैं, हर क्या है, 80 है, 2 = 40 = 20 = 10 = 5 = 10, ये तो ये 7/80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर हर का आभाज्य गुणनखंडन करें, 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 और फिर क्या है, × 5। तो यहाँ लोग देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पे वही हम लोग हर के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5। अब हम लोग क्या करेंगे, 7/80 का क्या लिखेंगे, दशमलव संख्या के रूप में लिखेंगे। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करोगे, 7 में भाग हो गया आप 80 से, 80 हो गया, 7 में तो जाएगा नहीं, दशमलव आपने किया ये 70 हो गया, फिर 1 0 बढ़ाया ये 700 हो गया। तो अब ये 8 बार जाएगा तो 8 का है 64, और 9 बार करेंगे तो 72 हो जाएगा, तो 64 यानी 640 हो गया, 0, 10 में से 4 गए 6, ये 0, फिर ये क्या हो गया, 600 हो गया, फिर 8 × 56, इस 0 को आप मान लीजिए 8 × 56, 8 × 64, तो 8 × 56 यानी 560, फिर क्या हो गया, 40 बच गया, ये 400 हो गया, फिर 8 × 5 = 40, ये 400 ही पूरा खत्म। यानी 7/80 का दशमलव प्रसार हम लोगों ने लिखा तो ये क्या हो गया, 0.0875।
तो ये भी कैसा आया, शांत दशमलव। शांत दशमलव संख्या। तो हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर केवल दो हो अभाज्य गुणनखंड, या केवल पांच हो, या केवल पांच हो या दो और पांच दोनों हो, तो क्या होगा, उस परिमेय संख्या को जब आप कन्वर्ट करोगे दशमलव संख्या में तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा। टर्मिनेटिंग यानी कुछ टाइम के बाद, दशमलव के बाद, कुछ अंकों के बाद वो फिनिश हो जाएगा। तो ये परिमेय का हम लोगों को क्या है, उसका विलोम है। इसके पहले परिमेय में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग इसके पहले वाले परिमेय में देखे थे कि अगर हमारी संख्या जो है इस टाइप की हो, शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या हो, तो उसको जब हम पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उसके हर में क्या आएगा, हर के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। तो उसका विपरीत आप क्या कह रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में अगर केवल दो और पांच है, दो और पांच है, तो वो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव संख्या होगी। तो इसको हम लोग लिखते हैं, यही है आपका परिमेय 1.6। परमेय 1.6 ये क्या है, परमेय 1.5 का विलोम है। परमेय 1.5 क्या कहता है कि अगर आपका परमेय 1.5 हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, कोई भी संख्या आपका दिया हुआ है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव संख्या है, मतलब कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो संख्या समाप्त हो जा रही है, शांत दशमलव संख्या उनको बोलते हैं। तो उनको जब आप पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करेंगे यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, इस टाइप की संख्या जैसे मान ली 0.452, ये पी बाई क्यू के रूप में तो है नहीं, लेकिन ये कौन, इसको क्या कहेंगे, शांत दशमलव, शांत दशमलव है, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है दशमलव के तीन अंकों के बाद खत्म संख्या। तो इसको आप पी बाई क्यू यानी पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक, यानी परिमेय संख्या के रूप में जब इसको व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो ये तो फ्रैक्शन है ना, कोई पार्ट है ये, तो इसको क्या करेंगे, 0.452 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाला क्या हो गया 452, नीचे वाला 1000। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर शांत दशमलव संख्या है तो उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। अब उसी का उल्टा कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल दो और पांच के अलावा कुछ नहीं आ रहा है तो वो उस संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, यहां से यहां और यहां से यहां, यही दोनों परिमेय है कि शांत दशमलव संख्या है, आप परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, नीचे जो संख्या आएगी उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल दो और पांच की घातें रहेंगी, उसमें केवल दो भी हो सकता है, केवल पांच भी हो सकता है, दो और पांच दोनों भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि दो और पांच दोनों का होना जरूरी है, केवल दो दो रहेगा, केवल पांच पांच रहेगा, या दो और पांच दोनों मल्टीप्लाई में रहेंगे। तो ये है इसका विपरीत, हम लोगों क्या लिखना है परिमेय 1.6 कि अगर कोई संख्या परिमेय संख्या p y q के रूप की आपकी कोई परिमेय संख्या ऐसी है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में दो और पांच के अलावा कोई संख्या नहीं है तो उसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत दशमलव होगा, यही हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए कि x
बराबर पी बाई क्यू। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि ये क्यू आपका क्यू कैसा है, ये 2^5 के पावर के रूप में है। क्यू कैसा है, 2^n × 5^m इस टाइप का है। मतलब कि उसके क्यू में क्या है, क्यू क्यू को कैसे हमेशा लिखा जा सकता है, 2^ कोई संख्या इंटू 5^ कोई संख्या। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2-2 रहेगा और केवल 5-5। एन एम की वैल्यू क्या होगी, कोई भी रिडक्टर पूर्णांक होगा मतलब। तो ये जैसे जैसे आपकी संख्या बदलेगी ये एन एम बदल जाएगा, और जहां की क्यू 2^n × 5^m के रूप का है जहां एन कामा एम ये क्या है, ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर का मतलब कि ऋण संख्या नहीं हो सकती और पूर्णांक कोई भी हो सकता, ऋण के इतर कोई भी पूर्णांक है ये। तब अगर ऐसा है तब एक्स का दशमलव प्रसार शांत होगा, एक्स का दशमलव प्रसार शांत होता है ऐसा लिखिए। बस सीधी सीधी बात है, क्या कुछ नहीं कि भैया अगर दशमलव प्रसार शांत वाली कोई संख्या आपको दी है, शांत दशमलव संख्या को मैं बार बार बता रहा हूं कि दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो खत्म हो जा रहा है, तो कोई भी शांत दशमलव संख्या है आपका, इसको आप जब परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे पी वाई क्यू के रूप में जब लिखेंगे तो क्यू में केवल क्या रहेगा, 2 और 5 की घात है। और अगर इस टाइप की संख्या है कि केवल क्यू में 2 और 5 की घातें हैं तो उसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, ऐसा आएगा सीधा सीधा। ये एक पॉइंट है, ये दोनों पर में आप एक पॉइंट से याद रख सकते हैं कैसे कि अगर कोई शांत दशमलव संख्या है तो इसको जब पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो यहां क्या आएगा, केवल 2 और 5 की घातें आएंगे अभाज्य गुणनखंड हर में। और अगर कोई संख्या ऐसी है परिमेय संख्या पी बाई 2^n × 5^m तो उसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत दशमलव। एक बार आप पूरा समझ गए तो लैंग्वेज बना के भी रख सकते हैं, एज इट इज जो है उसको रटने की जरूरत नहीं कि परमे 1.5 जब कोई ऐसे मतलब जैसा रटते हैं कि ये दशमलव संख्या होती है तो ये होता है वो होता है, कुछ नहीं। आप दिमाग में एकदम बिठाइए, एकदम फ्रेम बनाइए कि वो कह क्या रहा है। बस एक बार दिमाग में आपके बन गया तो लैंग्वेज भूल जाने के बाद भी आप क्या करेंगे, एग्जाम में या कहीं पर भी कोई पूछे तो आप उसको बना के लिख सकते हैं या क्लियर कट उसका मतलब बता सकते हैं। तो ये परमे 1.5 और 1.6 आपका हो गया, इसके आगे हम लोग देखेंगे बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।